यहाँ धर्म का तात्पर्य धार्मिक मान्यताओं से नहीं है, बल्कि हमारे कर्तव्य से है। जैसे ही हम किसी पर कोई प्रश्न करते हैं, सामने वाला तपाक से बोल उठता है, पहले अपना धर्म निभाओ, उसके बाद किसी पर सवाल उठाना। वो कहना चाहता है कि अपना काम ठीक से करो, फिर दूसरों पर कार्य ना करने का आरोप लगाओ। हम अक्सर एक दूसरे पर उसके धर्म पर खड़े उतरने की मांग करते रहते हैं, बिना ये सोचे कि धर्म वास्तव में क्या है, उसकी हमारे जीवन में कितनी भूमिका है। एक व्यक्ति का समाज में क्या धर्म होता, एक पति या पत्नी का एक दूसरे के प्रति क्या धर्म होता, या धर्म के कितने स्वरूप हो सकते हैं। वैसे तो धर्म के अनेक पहलू हैं, लेकिन सबसे खास बात धर्म की यह है कि वो सबको जिम्मेदार बनाने की बात करता है, और जो भी इस संसार में है उसका अपना एक धर्म होता है। उदाहरण के लिए, पेड़ का धर्म है छाया और फल देना, नदी का धर्म है जीवन दायी जल बनकर बहते रहना, बादलों का धर्म है जल बरसाना, और सूर्य का धर्म है प्रकाश देना। इसी प्रकार मनुष्य का धर्म है उदार होना, सदाचारी और सद्य व्यवहारी होना। मनुष्य का एकमात्र धर्म प्राणी मात्र के प्रति उदारता का व्यवहार। इसलिए भारत में कर्म से अधिक महत्व सदाचार को दिया गया है। सद्व्यवहार ही धर्म है, क्योंकि सद्व्यवहार में कर्म, धर्म, नीति, ज्ञान सब शामिल है। धर्म के अनेक रूप और प्रकार होते हैं, उसमें से एक रूप को एक कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। एक संत थे, नाम था सम्य मुनि। सहायता और सहनशीलता को उन्होंने अपना धर्म बना रखा था। एक दिन वो नदी से नहाकर निकले तो एक बिच्छू को पानी में बहते पाया। उनके मन में आया कि इस बिच्छू की सहायता करनी चाहिए। उन्होंने बिच्छू को पकड़ बहती जलधारा से बाहर निकालने के लिए हाथ लगाया ही था कि बिच्छू ने अपने स्वभाव और अपने धर्म के अनुसार डंक मारा। मुनि की पकड़ ढीली पड़ गई, बिच्छू फिर से पानी में बहने लगा। मुनि ने फिर प्रयत्न किया, बिच्छू ने फिर डंक मारा। ऐसा कई बार हुआ, बिच्छू डंक मारता रहा, मुनि उसे उबारने का प्रयत्न धैर्य के साथ करते रहे। अंत में वे सफल हुए, बिच्छू को जीवन दान देकर मुनि आश्रम की ओर जाने लगे। तब तट पर उपस्थित लोगों ने प्रश्न किया कि आपने उस डंक मारने वाले बिच्छू की प्राण रक्षा के लिए इतना कष्ट क्यों सहा, मरने देना था उसे। समय मुनि बोले, यदि बिच्छू अपने डंक मारने के धर्म का त्याग नहीं कर रहा तो मैं सहायता और सहनशीलता के अपने धर्म को कैसे त्याग दूं? अपने धर्म पर चलते हुए कष्ट सहना ही तो तप और जीवन है। व्यास मुनि ने कहा है, समसे पात कथ्यते धर्मो जना किम विस्तरेन वा, परोपकार पुण्याय पापाय पर परिणम। अर्थात, हे मनुष्य, संक्षेप में हम तुम्हें धर्म का मर्म बताते हैं। परोपकार करना ही पुण्य कर्म है, धर्म है, और पर पीड़ा ही पाप अर्थात अधर्म है।